You are welcome in my session. This is class 8. The topic is rational number. बहुत आसान सा टॉपिक है रेशनल नंबर. इट्स चैप्टर नंबर 1. ओके, इन एनसीईआरटी 8th क्लास. रेशनल नंबर में क्या होता है, अगर एक ब्रीफ इंट्रो हम इसका करें तो बोला जाएगा जो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखे जा सके एंड क्यू विल नॉट बी ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ जो एक और बात है वो ये है कि यहाँ p और q जो हैं वो दोनों इंटीजर होने चाहिए. ओके, मीन्स p एंड q विल बी मेंबर ऑफ z, यानी ये दोनों इंटीजर होने चाहिए. अगर p इंटीजर नहीं है, q इंटीजर नहीं है, तो p अपॉन q फॉर्म में लिखे जाने वाला जो नंबर होगा वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता. अगर 8th क्लास के लेवल की बात करें तो इस डेफिनेशन से केवल हमें इतना मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है. बाकी डेफिनेशन पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो 8th क्लास के स्टैंडर्ड पे, 8th के लेवल पे नहीं बनते हैं. अब किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल जो एक एलिमेंट्री एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, मैं शुरू करता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैव 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5. इन तीन नंबर्स को हमें ऐड करना है. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, जब कभी रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, या मैं ये कहूँ कि जब हम फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करते समय हम एलसीएम बनाना होता है डिनोमिनेटर का, लाइक 2, 3, 5. तो अभी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2, 3, 5 तीनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम सीधा सीधा सा इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30. तो 30 यहाँ पे एलसीएम बन जाता है. अब हमें क्या करना है, जो एलसीएम हमारा आ चुका है 30, इसे ऐसे बनाना है, लिखना है डिवाइड बाय 2. एलसीएम को इस 2 से हमें डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया 15 टाइम, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 15 फिर यहाँ पे हमें लिख देना है, लिख दिया हमने. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा समझने के लिए मैं इसे यहाँ 4 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ईजिली हमारे समझ में आ जाए बात. अब 30 से इसको डिवाइड किया हमने, 3 को 3 से 30 को डिवाइड किया, तो 3 से 30 को डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ, 10 टाइम हुआ. इसके बाद में 5 से 30 को डिवाइड किया तो 6 टाइम. अब इस 6 को हमको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है. ऐसा ही हमने यहाँ पे भी किया था, 3 से हमने 30 को डिवाइड किया, 10 टाइम डिवाइड हुआ, हमारा क्वेश्चन जो बना वो 10 बना, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इधर आ जाता है. अब 5 से 30 को डिवाइड किया 6 टाइम, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 24. अब सीधा सा काम है, इसको हमको ऐड कर देना है, 10 प्लस 15 = 25, 25 प्लस 24 = 49, 49 डिवाइडेड बाय 30. अगर इस क्वेश्चन को आप और ज़्यादा थोड़ा सा डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इतना भी फ्री कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है. इस तरह से हमने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया है. अब थोड़ा सा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी रैशनल नंबर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं या किसी भी प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें सबसे मुख्य बात जो होती है, एक इम्पोर्टेंट बात जो होती है समझने वाली, वो ये होती है कि हमको यहाँ पे वी बॉड मास को फॉलो करना होता है, वी बॉड मास. ठीक है, इट्स विनकुलम लाइन, बार लाइन अगर आ जाए तो ये ब्रैकेट के लिए आ जाएगा, ब्रैकेट किसी भी तरह का हो सकता है. ओ इज फॉर द ऑफ, डी फॉर द डिवीजन, एम फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर द एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, वी बॉड मास रूल मींस अगर हमें कोई भी मैथमेटिक्स के किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें हमेशा के लिए वी बॉड मास रूल हमको फॉलो करना होता है, वी बॉड मास. जनरली जो कुछ हमारी अर्लियर क्लासेस होती है तो वहाँ हम बॉड मास की बात करते हैं, बॉड मास के साथ साथ एक लाइन और जोड़ देते हैं, एक छोटा सा लेटर हमने और ऐड कर दिया है, वो वी बॉड मास हो गया. आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे इसका उपयोग हमें करना है और किस तरह से रैशनल नंबर को सॉल्व करना है. 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है, या कोई भी जो रिफ्रेशर या एक रेफरेंस बुक हम अपने क्लास में यूज़ कर रहे हैं,
वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। अभी भी मैं एक होमवर्क आपको देने वाला हूँ, तो अभी पहले एक बार एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कुछ होमवर्क करेंगे, आप सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपने कैसा किया, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अभी आइए, लाइक 1/2 - 1/3, इसके ऊपर एक लाइन है, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 / 7/5, और एक ब्रैकेट में इसको हमने क्लोज कर दिया है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया है। इसके बाद में आता है फिर से मान लीजिए प्लस 1/3 कर दिया। रैंडमली एक एग्जांपल लिया है, रैंडमली ये नंबर्स है, इजीली आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे ये लाइन है, विनकुलम लाइन, ठीक है, बार लाइन भी हम बोल सकते हैं, ये लाइन हमने लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस लाइन के अंडर द लाइन जो नंबर्स हमारे पास में लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हमें सॉल्व करना है। तो 1/2 - 1/3 ईजिली समझ पा रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। दीज आर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका एलसीएम बन जाता है। एक लाइन में यहाँ बना दूंगा डिवीजन वाली, 2 से हमने 6 को डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से हमने 6 को डिवाइड किया 2 टाइम, ठीक है। अभी इस लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है। मल्टीप्लाई बाय 1/6 / 7/5, एक छोटा सा मेरा सजेशन रहेगा, जब तक आपकी कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट नहीं हो जाती है, क्योंकि आप 8th क्लास के बच्चे हैं, थोड़े छोटे बच्चे होते हैं, जब तक आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं हो जाती है, आप स्टेप बाय स्टेप करें, एक साथ आगे ना जाए। जब तक आपकी एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप नहीं करें। अभी मैंने इस लाइन को हटाया नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, 3 - 2 = 1, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 डिवीजन बाय 7/5। अब अगर फिर से मैं बोर्ड मास पे आ जाता हूँ, ठीक है, देखिए अब क्या होगा, डिवीज़न है, तो अब डिवीज़न कंप्लीट करना होगा, बिकॉज डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन से पहले आ रहा है। अभी मैंने ये बात आपको पता ही नहीं थी, डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन से पहले क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड से पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो अभी ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले हम डिवीज़न करेंगे। कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कैसी भी स्टेप करी और आपका आंसर सेम आ गया, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी गलत होती है। हमने यहाँ पे किया 1/6 * 1/6, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे। डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, तो ये 5/7 हो गया प्लस 1/3। इसके आगे वाले स्टेप में इधर कर देता हूँ। अब हम इजीली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं 1 × 1। मल्टीप्लिकेशन करते समय व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, इन दिस केस वी नो नीड ऑफ एलसीएम, यहाँ एलसीएम की जरूरत नहीं होती है ना, तो 1 × 1, फिर 5, तो ये हो गया 5। इधर किया हमने 6, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 6/6 = 36, और इजीली 36 को जब आप इंटू कर रहे हैं 2, 3, 4, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मुझे भी लगता है 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 प्लस कितना, 1/3। अब आप आगे क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेंगे और अपना नंबर आप कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको फटाफट से कर दिया है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और अब जो एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, जो आपको करना है, एग्जांपल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको भी कंप्लीट करने हैं, तो ये देखिए कैसे होंगे, होमवर्क है और ज़्यादा नहीं है, बस 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क में रखे हैं। बस इसी तरह छोटे छोटे से वीडियोस के साथ हम चलते रहेंगे, अपना काम पूरा करते रहेंगे, इतना ही आपको टाइम यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना, जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, दिस इज द, आपको करना है 1/7 + 1/9, ठीक है, डिवाइड बाय 3/7 × 3/5 प्लस 2/3। रैंडमली नंबर लिखे हैं मैंने, अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अभी और भी हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज 5/9 + 2/3 बार लाइन डिवाइडेड बाय 3/2 - 4/7। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, और यहाँ डिवीज़न कर देते हैं इसका 4/3 से। रैंडमली मैंने नंबर्स लिए हैं, रैंडमली मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं,
इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा और जो आपका आंसर हो वो कमेंट से मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और आगे की बातें जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी और साथ ही साथ में दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अभी इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड लक।